आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 9 चयनित 2,846 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को पदस्थापना एवं नियुक्ति पत्र का किया वितरण। जनपद में 4 प्रवक्ताओं तथा 65 सहायक अध्यापकों को विधायकों ने नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर देश का करे नाम रोशन। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जारी किया दिशा निर्देश। कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था रखें चुस्त दुरुस्त। पिपराइज थाना क्षेत्र में 11 जुलाई को हुई बृजेश विश्वकर्मा की हत्या के खुलासे के लिए गुरुवार को मृतक के भाई उमेश ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। एसपी नॉर्थ ने कहा, कुछ संदिग्ध लोगों की जा रही है निगरानी, खुलासे के लिए लगाई गई है क्राइम और सर्विलांस की टीमें, जल्द होगा खुलासा। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बौद्ध संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों पर लगाया गया अभिलेख प्रदर्शनी, अमर शहीदों को किया गया याद। गोरखपुर में गुरुवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,377। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 14 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अपर पुलिस महानिदेशक ने गोरखपुर जोन के 11 बीट पुलिस ऑफिसर के साथ किया चाय पर चर्चा। उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 73 केंद्रों पर 21,005 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 16,574 और सेकेंड डोज लेने वालों में 4,431 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की बैठक। शिक्षणेतर कर्मचारियों के समस्याओं पर हुई चर्चा, निदान की बनी रणनीति। आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुत किए नृत्य और लोकगीत, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी दिखा मिला जुला असर। वाहन चेकिंग कर पुलिस कराती रही कर्फ्यू का पालन। और लगातार हो रही बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर होगी बारिश। नदियां सामान्य स्तर पर।